हाथी और एक चींटी में मित्रता हो गई। मित्रता पक्की करने के लिए हाथी ने चींटी को अपने घर दावत पर बुलाया। हाथी ने चींटी को मीठी खीर खिलाई। उसने चींटी को खीर का छोटा कटोरा और स्वयं बड़ा कटोरा लिया। चींटी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, हाथी ने मुझे कम और स्वयं ज्यादा खीर क्यों ली। कुछ दिन बाद चींटी ने भी हाथी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। चींटी का घर छोटा था, इसीलिए हाथी को चींटी ने बाहर बैठाया और खुद अंदर जाकर उसके लिए खूब सारा ठंडा दही बड़ा लाई और बाद में गरम चाय पिलाई। लेकिन हाथी अभी भी भूखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए वहां के पेड़ों से डालियां तोड़कर खाने लगा। चींटी ने यह देखकर कहा, दोस्त हाथी, तुम हमारे घर के आसपास लगे पेड़ों को नष्ट करके यहाँ की सुंदरता क्यों बिगाड़ रहे हो। हाथी ने हंसते हुए कहा, चींटी, तुम बहुत बोली हो। मैं इतना बड़ा हूँ और तुम इतनी छोटी। तुम कम खाती हो और मैं अधिक, इसीलिए मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा किया। मुझे माफ कर देना। और उसे ये समझ में आ गया कि हाथी ने स्वयं बड़े कटोरे में और उसे छोटे कटोरे में खीर क्यों दी। अब दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों सुख पूर्वक रहने लगे।